मैं जी बेसिकली जो मेरी स्किल है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सी कैटेगरीज आ जाती हैं, लेकिन जिनमें मैं काम करता हूँ वो SEO है, इंस्टाग्राम फेसबुक मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग। ठीक है, वीडियो एडिटिंग भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 10 से 12 लोगों की टीम है, लेकिन वर्चुअली है। अच्छा जमशेद, आपने हमारे सवाल को जो है ना गोल कर दिया है। आप हमें अपनी कमाई छुपाना चाह रहे हैं, कमाई बता दें कि कितना कमा रहे हैं। अच्छा, हमारी जो फ्रीलांसिंग की जो कमाई है ना वो कभी भी स्टेबल नहीं होती, लेकिन अगर मैं आपको एक रेशो बताऊं तो 7 से 10 हज़ार डॉलर के दरमियान मैं कमा लेता हूँ। ग्रो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान, मैं हूं शफाक मुश्ताक। नाज़रीन, जैसा कि हम अपनी ऑडियंस के लिए, आप सब के लिए ऑनलाइन अर्निंग के मेथड लेके हाजिर होते रहते हैं और साथ साथ हम आपको उन कामयाब शख्सियात से भी मिलवाते हैं जो इस प्रोसीजर से गुजर के एक अचीवमेंट हासिल कर चुके होते हैं। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें हमारे पास एक दस्ते के जवान हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से, इस स्किल से, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए कैसे ऑनलाइन अर्निंग का आगाज़ किया और इस वक्त वो 10 से 12 लोगों की टीम बना के 7,000 से 10,000 महाना डॉलर्स कमा रहे हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली, दे आर अर्निंग डॉलर्स कमा रहे हैं 7 से 10,000 महाना। वो क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं और आपके लिए उसमें क्या मुफीद इंफॉर्मेशन है, क्या टिप्स हैं और आप इस काम को कैसे सीख सकते हैं, ये सब चीज़ें इस स्टोरी में कवर की जाएंगी। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और अगर पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जमशेद जी। वालेकुम अस्सलाम जमशेद, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जमशेद, ब्रीफली हम कुछ इंट्रोडक्शन हमने आपका दे चुके हैं, कुछ बताइए कि हमारी ऑडियंस को कि आप क्या काम करते हैं और इस काम के तहत आप किन लोगों को अटैच करके कितना कमा लेते हैं। मैं जी बेसिकली जो मेरी स्किल है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सी कैटेगरीज आ जाती हैं, लेकिन जिनमें मैं काम करता हूँ वो SEO है, इंस्टाग्राम फेसबुक मार्केटिंग और वीडियो एडिटिंग। ठीक है, वीडियो एडिटिंग भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 10 से 12 लोगों की टीम है, लेकिन वर्चुअली है, वर्चुअल टीम है। अच्छा जमशेद, हमारी ऑडियंस को ये बताइएगा, ब्रीफली इंट्रोडक्शन आप सब जानते ही हैं कि जो ये बात करें, लेकिन फिर भी हम उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नहीं जानते कि जो टर्म्स इन्होंने यूज़ किए हैं वो क्या हैं और वो स्किल्स क्या हैं, कैसे काम करती हैं, तो हमें बताइएगा कि SEO क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ब्रीफली हमारी ऑडियंस को ज़रा बता। मैं बताता हूँ, जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि कोई भी ऐसी मार्केटिंग जो आप डिजिटलाइज कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि ऑनलाइन कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आ जाती है SEO की। SEO की अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो SEO का मतलब है कि अगर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल के बेस्ट शू शॉप इन लाहौर, ठीक है, तो लाखों में शॉप्स होंगी, ठीक है, लेकिन होगा क्या कि लाखों वेबसाइट्स में जो पहले पेज पे कुछ वेबसाइट्स आ रही होंगी, वो जो वेबसाइट्स हैं वो SEO के थ्रू आ रही होती हैं, जो आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट से शो हो रही होती हैं, ठीक है। तो हम समझ लें कि उन वेबसाइट्स की SEO करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, सर्च इंजन के हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है, ठीक है, और देन सर्च रिजल्ट्स में उनके रिजल्ट्स टॉप पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो लोग गूगल पे आके सर्च कर रहे हैं वो उन लोगों के बिजनेस प्रमोट हो जाते हैं, तो और ऑर्गेनिकली होते हैं, तो जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें आप बता रहे हैं फेसबुक इंस्टा की प्रमोशन, वो क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर आपकी कोई फिजिकली शॉप है और आप उसको ऑनलाइन फेसबुक पे का सेल करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर आपकी शॉप लाहौर में है और आप उसको डस्का, सियालकोट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कहीं भी शहरों में अपने इवन के आउट ऑफ कंट्री भी करना चाह रहे हो, तो आप आसान अल्फाज में ये है कि फेसबुक को हम पैसे देते हैं, इंस्टाग्राम को हम पैसे देते हैं, और जो हम मार्केटर होते हैं हम उस प्रोडक्ट के हिसाब से जो उसका लोकेशन, जो उसकी ऑडियंस, जो उसकी जो समझ लें कि एक सर्कल होता है उसको टारगेट करते हैं और उस आप जो आपकी प्रोडक्ट होती है हम
वो लोगों तक पहुँचाते हैं। नाजरीन डिजिटल मार्केटिंग में इन्होंने जो फेसबुक और इंस्टा की बात की है, इसकी जो है ना एक कंप्लीट सीरीज़ और कोर्स भी हमारे चैनल पे आने वाला है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ये सारा प्रोसीजर कैसे किया जाता है ये आप इनसे तो सीख ही सक लेंगे, लेकिन मैंने बताया पूरा प्रोसीजर जो है ना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेंथी भी नहीं है, बट कुछ थोड़े से टेक्निकलिटीज़ इसमें है जो हम भी आपको सिखा सकते हैं। हमारे चैनल पे इस पूरे एक प्लेलिस्ट इंशाल्लाह जल्द ही आने वाली है, आप उसको देखिएगा। अच्छा जमशेद, अब ये बताइएगा कि ये जो सर्विसेज हैं SEO की, आप इसको सेल कहाँ पर कर रहे हैं? मैं इसको सेल करता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम फाइबर है और अपवर्क है। आप फाइबर और करते हैं और इनमें हमारे ऑलरेडी काफ़ी स्टोरीज लग चुके हैं चैनल पे जिसमें लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं। ये बताइए बेस्ट आपके लिए कौन सा काम कर रहा है? मेरे लिए जो बेस्ट काम कर रहा है वो फाइबर है। फाइबर है। अब फाइबर पे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो नाकाम हो जाते हैं, अब जो हमें समझ आती है मे भी कुछ हद तक दुरुस्त भी हो, क्या गिग बनाना जो है वो कोई टेक्निकल काम है? हाँ बिल्कुल, थोड़ी टेक्निकल काम नहीं कह सकते लेकिन थोड़ी सी समझ की बात है। ठीक है, एक और बात यहाँ पे आ जाती है कि जो हमारे लोग हैं ना वो ये समझते हैं कि जो फाइबर है वो सिर्फ एक अकाउंट है। अगर आप फाइबर को एज अ बिजनेस लेके चलोगे, ठीक है, तो आप उसमें कामयाब होगे। कैसे, मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप एक दुकान ओपन किया आपने, ठीक है, और आपने वो दुकान ओपन की, आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा, कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, तो आप उसे बंद तो नहीं कर दोगे? आप डिफरेंट तरीके यूज़ करोगे, डिफरेंट मार्केटिंग के टैक्टिक्स यूज़ करोगे कि आपके पास क्लाइंट आए, आप उस तक पहुँचो और वो आप तक आए। ठीक है, तो जो लोग ये समझते हैं ना कि फाइबर एक बिजनेस है, फिर उनके लिए मेथड हज़ारों हैं, ठीक है, जिन पे फ्री भी है, पेड भी है, जहाँ पे ये प्रमोट किए जाते हैं। इसके अलावा जो गिग है विद इन सेल्फ फाइबर में ही हम प्रमोशन भी कर सकते हैं। फाइबर ने एक फीचर दिया हुआ है, लेकिन वो 20 से 30 ऑर्डर जब आपके हो जाते हैं तो फिर प्रमोटेड गिग का ऑप्शन आता होता है। ठीक है, लेकिन वैसे भी बड़े ऑप्शन हैं। लेकिन जो गिग की बात आप कर रहे हैं, गिग में अगर आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स को फाइंड करके तो उसको टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन में अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं तो आपकी गिग जो है वो रैंक होती है। लो कंपटीशन वाले कीवर्ड से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन है, ठीक है, तो लोगो डिज़ाइन को जब आप जाके फाइवर पे टाइप करोगे ना तो वो 1.5 से 2 लाख आ जाएगा उसका जो सर्विस हो रही होंगी। ठीक है, तो मतलब कि 1.5 से 2 लाख बंदा उसको सेल कर रहा है और फाइवर जो अपना रिजल्ट शो करवाता है वो करवाता है 20 पेजेस तक। अब पहला जो एक पेजेस है या दूसरा पेजेस है, एक पेज पे 48 सर्विसेज होती हैं। अच्छा, इसमें रैंकिंग बेस पे ही रिजल्ट्स आते हैं? बिल्कुल, अच्छी रैंकिंग होगी, कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन और ये वो। ठीक है, अब जो आपकी पहले पेज और सेकंड पेज और थर्ड पेज है ना, पर पेज पे 48 रिजल्ट्स हो रहे होते हैं। ठीक है, तो 20 पेजेस पे कितने तक आ जाएंगे? लेकिन अब अगर आप 1.5 लाख सर्विसेज वाली गिग पे बना रहे हो तो आपको कभी भी उस पर रैंकिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसका हम ये करते हैं कि लो कंपटीशन वाली जो गिग है ना, कीवर्ड है, वो ढूंढते हैं। उससे क्या होता है, मैं मिसाल देता हूँ, जैसे रियल एस्टेट है, तो आपने बजाय सिर्फ लोगो डिज़ाइनिंग पे गिग बनाने के, आपने क्या करना है कि आपने रियल एस्टेट लोगो डिज़ाइन पे गिग बना देनी है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कंपटीशन है ना वो कट डाउन हो गया। ठीक है, और एक टाइम आएगा, बिल्कुल, और एक टाइम आएगा कि आपकी जो लोगो डिज़ाइन, ये जो रियल एस्टेट वाली गिग है ना, ये मेन जो कीवर्ड है लोगो डिज़ाइन, उस पर रैंक कर रही होगी। ठीक है, तो इस तरह हम समझ लें कि अब मैं एक 2-4 मिनट में आपको वो नहीं कर सकता पूरा ले, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। चलिए अच्छा जमशेद, हमें बताइएगा हमारी ऑडियंस के लिए एक मोटिवेशन है कि आप कितना अरसा से इस काम से वाबस्त हैं? मैं सर 2017 में ऑनलाइन फील्ड में आया था। 2017 में थे, और ये आगाज़ कैसे किया था और आज की स्टेज पर है? आगाज़ मैंने इस तरह किया था कि मुझे कहीं से पता चला क्रिप्टो करेंसी कोई होता है, ठीक है, वहाँ से मैं फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन करता रहा, वकार ज़कात अब ये क्रिप्टो करेंसी का काम भी करता होता था, तो मैंने उसके कमेंट में किया कि मुझे डिटेल चाहिए, ये क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे ये था नहीं था पता कि ऑनलाइन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वहाँ से मुझसे एक बंदे ने कांटेक्ट किया, ठीक है, वो कोई और काम था, पर मुझे आस्ता आस्ता करके फाइबर का पता चला। फाइबर पे मैं 2017 से लेके 2020 तक स्ट्रगल करता रहा हूँ, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो मेरा पहला डॉलर है फाइबर से, वो मैंने 2020 में बनाया। ठीक है, तो 4 साल मुझे लग गए
और उसकी जो एक बहुत बड़ी वजह थी ना वो यही थी कि मैं इसको सिर्फ एक अकाउंट समझता था। एक अकाउंट बना लिया, दूसरा बना लिया बंद कर दिया, तीसरा बना लिया बंद कर दिया, चौथा बना लिया बंद कर दिया। लेकिन जब इसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा ना कि ये मेरा एक बिजनेस है और इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, फिर मुझे वहाँ से मिली। अच्छा जमशेद, बताइएगा कि आप इस वक्त फाइवर पे एक प्रोफाइल ही मल्टीपल प्रोफाइल चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको बताइएगा कि इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि ये काम किया जाए। देखें, फाइबर का जो सिस्टम है ना, मैं तो उसको एल्गोरिथम सिस्टम ही कहता हूँ, डिफरेंट लोग डिफरेंट नाम देते हैं, ठीक है। उसका एक सिस्टम है जिसको डी रैंक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। मतलब कि एक स्टेज आता है आपका जब आप फाइबर पे मे बी आपकी आप $2,000 कमा रहे हो, आपकी गिग जो है वो पहले पेज पे हो, ठीक है। लेकिन एकदम से क्या होगी, वो आपकी गिग जो है वो डी रैंक हो के या तो सर्च से ही गायब हो जाएगी या 20 पेजेस पे आ जाएगी। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए हम मल्टीपल अकाउंट बनाते हैं। अच्छा जमशेद, अब ये बताइएगा कि आप महाना कितना कमा लेते हैं, और इस वक्त कमाई से भी पहले बताएं कि इस वक्त आपके साथ लोग कितने अटैचमेंट टू इस काम को कर रहे हैं। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 लोगों की टीम है, और उस पर फोकस भी मैंने इसी 6 माह में शुरू किया है। क्योंकि पहला जो मेरा गोल था वो मनी ओरिएंटेड था, मीन के मुझे ये था कि मैंने $5,000 बनाना है महीने का, 10,000 बनाना है, बाकी मुझे कोई नहीं है, मैं वो कहीं कभी किसी से करवा लिया कभी किसी से करवा लिया। अब मैं एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो रहा हूँ कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, मेरी सेटिस्फेक्शन भी हो, और मैं उनके साथ जो है ना ग्रो करूं, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि जब मैं पहले अकेला कमाता होता था, कमाता इन सेंस की ये कि काम मैं फिर भी बाहर से करवाता था, लेकिन मैंने 7 लोग नहीं थे जोड़े, ठीक है। अब वो मेरी कमाई भी डबल हो गई है, और लास्ट जो लोग हैं वो भी मेरे साथ 10-12 जुड़ गए हैं। 10 से 12 लोग जो आपके साथ जुड़ गए हैं, ये फिजिकली ऑफिस में बैठते हैं कि वो रिमोटली? नहीं, ये वर्चुअली होते हैं। वर्चुअली है। यानी कि अगर हमारी ऑडियंस में से किसी के पास ये स्किल्स हैं जिसमें हाँ, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, आपसे रब्ता। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास ये स्किल है तो इनसे रब्ता किया जा सकता है। और साथ में ये भी बताइएगा कि आपने बताया था कि आप लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हाँ जी, मैं देता हूँ। और अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा, वीडियो में मेंशन कर दिया जाएगा, और आप इनसे ट्रेनिंग के लिए या आपके पास स्किल है तो आप इनका जो है टीम को ज्वाइन करके वर्चुअली पाकिस्तान में या किसी भी शहर से या किसी मुल्क से आपका ताल्लुक है और आप काम करना चाहते हैं इन स्किल्स में, तो आप ज़रूर जो है इनको ज्वाइन करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मैं देता हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन आप ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर आप डस्का शहर में इनके ऑफिस में जा कर ट्रेनिंग ले सकते हैं तो भी आपके लिए बेहतर है, और अगर आप नहीं जा सकते तो आप किसी और शहर में आप सीखना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो है इनसे रब्ता करके इनका ऑनलाइन कोर्स भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी बाय द वे मैं फ्री भी सिखाता हूँ, तो अच्छा। फ्री भी कर सकते हैं मुझे ज्वाइन, ज़रूरी नहीं कि पेड ही करें। अच्छा अच्छा, फ्री में भी किया जा सकता है कि ये सिर्फ ग्रो पाकिस्तान के चैनल के लिए हाँ बिल्कुल, वैसे ये चार्ज करते हैं बिल्कुल, बट ग्रो पाकिस्तान के व्यूअर्स के लिए आप अगर रेफरेंस दे देंगे तो ये फ्री में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जमशेद, आपने हमारे सवाल को जो है ना गोल कर दिया है। आप हमें अपनी कमाई छुपाना चाह रहे हैं, कमाई बता दें कि कितना कमा रहे हैं, ताकि हमारी वीडियोस को ऑडियंस को मोटिवेशन मिले कि हाँ जी कमाया जा सकता है, और हम आपके पेमेंट प्रूफ्स भी वीडियो मिल जाएंगे ताकि ऑडियंस को उसे देख के समझ आए कि बाकी जी कमाया जा सकता है, डॉलर्स में कमाई की जा सकती है, पाकिस्तान में पाकिस्तान के किसी शहर में घर बैठे आप ये कमा सकते हैं। वो बताइएगा कितना कमा देते हैं। मैं आपकी ऑडियंस की मोटिवेशन के लिए बता देता हूँ के चल मैं डॉलर में बताता हूँ, डॉलर्स में पाकिस्तान में बताएं क्योंकि हमें पाकिस्तानी रुपये से ज़्यादा डॉलर से प्यार। हाँ जी, अच्छा हमारी जो फ्रीलांसिंग की जो कमाई है ना वो कभी भी स्टेबल नहीं होती, लेकिन मैं अगर मैं आपको एक रेशो बताऊँ तो 7 से 10 हज़ार डॉलर के दरमियान मैं कमा लेता हूँ। माशाल्लाह, वो पाकिस्तानी 15 से 20 लाख बनता है। माशाल्लाह, तो बस ये मोटिवेशन के लिए लीजिएगा। एक चीज़ और बता दें कि जो टीम आपकी बनी हुई है ऑन एवरेज वो कितना कमा लेते हैं? जो मेरी टीम है ना मैंने उसको वो सैलरी बेस पे नहीं रखा होता, जी जी ठीक है, मैंने उसको प्रोजेक्ट बेस रखा होता है, और प्रोजेक्ट बेस में ये होता है कि एक बंदा कम से कम 40 से 50 हज़ार बना लेता है ऑन एवरेज। अगर वो एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट है। अगर वो एक्सपर्ट है, अगर वो लर्निंग, क्योंकि मैं सिखाता भी हूँ साथ साथ, तो जो बचा होता है उसकी कैपेसिटी, तो फिर वो फिर भी 10-15-20 के दरमियान ये चीज़ें सीखने के लिए दौरानिया कितना चाहिए, कितने ड्यूरेशन में चीज़ें सीखी जा सकती है? देखें, अगर तो आप सीखने वाले हैं ना तो आप YouTube पे जाएं, YouTube पे जाके आप SEO लिखें, Facebook ads लिखें, Instagram marketing लिखें, जो मर्जी लिख लें,
आपके सामने हजारों वीडियोस आ जाएंगी। किसी एक बंदे को फॉलो कर लें, अगर आप फ्री, अगर आप स्पून फीडिंग वाले नहीं हैं, ठीक है, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। और जो टाइम दरकार है वो आप 1 से 3 महीने भी ले लें और 3 से 6 महीने भी ले लें। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करने वाले। और अगर उन वीडियो से समझ ना आए कुछ टेक्निकल पॉइंट, हाँ, तो फिर आप मेरे पास आते हैं तो नंबर इनका वीडियो में चल रहा है, इनसे रब्ता करें, इनसे हेल्प लें। और अगर आप फाइवर पे अपनी गिग बना के कामयाब नहीं हो पाते, जो कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आप कामयाब हो जाएं, हमारी दुआ है आपके साथ, अगर नहीं हो पाते तो आप इनके साथ अटैच हो के। मैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे कम ही वीडियोस अपलोड करता हूँ, लेकिन फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे मेरी एक कम्युनिटी है, इनका फेसबुक पे मैं लिंक पे मेंशन कर देंगे ताकि आप इनको फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकें। मैं वहाँ पे फ्री सेशंस भी देता हूँ और डिफरेंट जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो भी सॉल्व करवाता रहता हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है या मेरी टीम को टाइम मिलता है। तो हमने एक कम्युनिटी बनाई हुई है, ठीक है, फ्री वाली कम्युनिटी भी है। अगर आप सीखने वाले हो तो वही चीज़ मैं पेड़ में सिखाता हूँ, वहाँ पे फ़र्क ये है कि आपको सपोर्ट मिल जाती है। मैं अगर सब कुछ भी बता दूंगा ना तो फिर भी कहीं ना कहीं पे फंसेंगे आप, तो वो जो ऑन द स्पॉट जो सपोर्ट होती है ना वो फ़ायदा दे देती है। अच्छा, वैसे हम अभी अनाउंस तो कर चुके हैं कि ग्रो पाकिस्तान के लिए कोर्स फ्री है, बट हमारे जो स्टैट्स हैं और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसके मुताबिक फ्री कोर्स कभी भी बंदा नहीं सीखता, नहीं सीखता, क्योंकि उसका कुछ चीज़ स्टेक पे नहीं लगी हुई। जब स्टेक पे कोई चीज़ नहीं है तो आज क्लास अटेंड करेगा, कल वो मिस कर देगा, परसों को कोई मसरूफियत हो जाएगी, तीसरे दिन कोई और मसरूफियत। अगर वो सीखेगा ना तो उसको हमारी तरह टाइम लग जाएगा, 4 साल पहला डॉलर कमाने में। बिल्कुल, तो अगर आप चाहते हैं कि फ्री में कोर्स वैसे अवेलेबल है, आप करना चाहें कर सकते हैं, पैसे लगा लेंगे तो ज़रा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, इन द लास्ट नोट आप हमें ये बताइएगा हमारी ऑडियंस के लिए एक की टिप कि जिस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको 4 साल लगे, हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो काम को 4 से 6 माह में कर लें। सक्सेस टिप्स बता दें। मैं सक्सेस टिप्स आपको फाइवर पे जो सक्सेस होने की टिप्स है ना वो आपको बता देता हूँ। स्किल तो आपने यूट्यूब से सीख ली, लेकिन स्किल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फाइवर पे ऑर्डर ले रहे हो। अगर आप फेसबुक पे जाते हो, जाके आपने लिखा कि मुझे SEO एक्सपर्ट चाहिए, आपको हज़ारों बंदे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो कि यार मैं SEO एक्सपर्ट हूँ, मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे ऑर्डर लेके दे, ठीक है, तो आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा। तो फाइवर पे सक्सेस, फाइवर इटसेल्फ एक स्किल है, ठीक है। तो उस पर आपने स्टार्ट में दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जब आपने फाइवर पे जाना है, किसी भी स्किल में जाना है, आपने लो कंपटीशन वाले जो स्किल है ना उस पर जाना है, ठीक है। लो कंपटीशन वाला कीवर्ड ढूंढना है, लेकिन लो कंपटीशन वाले कीवर्ड में भी ऑर्डर ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। जब आप कोई कीवर्ड ढूंढते हो उसकी सर्विसेज शो हो रही होती हैं, आपने देखना है कि उन कीवर्ड्स की ऑर्डर भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। फिर आपने उसको चूज़ करना है और उन कीवर्ड्स को आपने अपने टाइटल में, टैग में और उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। मैं शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह आपकी गिग जो है ना वो एक टाइम, अब जो मेरे बैच चल रहे हैं वहाँ पे माशाल्लाह से अभी 10 से 12 दिन हुए हैं एक बच्चे को गिग बनाए हुए, उसको ऑर्डर आ गया, ठीक है। एक बड़ी देर का लगा हुआ था, अभी उसने मुझसे सीखा है, उसको भी ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको सही डायरेक्शन पता है ना, वो मैंने आपको बता दिया कि लो कंपटीशन वाले कीवर्ड ढूंढने हैं और वो ढूंढने हैं जिन पे ऑर्डर हैं। लोग लो कंपटीशन वाले कीवर्ड ढूंढ लेते हैं लेकिन वो नहीं ढूंढते जिन पे ऑर्डर है, ठीक है। तो इसलिए वो लगे रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं कि यार हमें ऑर्डर नहीं आया, हमें ऑर्डर नहीं आया। और ये जिन्होंने आपके साथ लास्ट में शेयर किया कि किस तरीके से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, इसमें एक सक्सेस टिप हम भी आपके साथ शेयर करते हैं, वो है कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, सबसे पहले इसको सीखें, अच्छे से सीखें, और ये नहीं कि आज आपने कहीं पे एक कोर्स देखा कि फाइवर पे गिग कैसे बनाएं और गिग बना के आप बैठ जाएं और वेट करने लगे कि मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा। सबसे पहले अपनी स्किल को पॉलिश करें, इम्प्रूव करें, इम्प्रूव करें। जब आप इस काबिल हो जाएं कि आप गिग बना सकें और अपनी स्किल्स को ऑनलाइन सेल कर सकें तो आप इस चीज़ को ट्राई करें, और हिम्मत मत हारें, ट्राई अगेन और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त से वापस शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक ऐसी ही और स्टोरी के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।